Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी मूवमेंट. हम जानेंगे फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी मूवमेंट के बारे में, एफपीपी के बारे में. फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ अ स्टेट दैट प्रायोरिटाइज पीस, जेंडर इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी एंड सीक टू डिसरप्ट कॉलोनियल, रेसिस्ट, पैट्रियार्कल एंड मेल डोमिनेटेड पावर स्ट्रक्चर. जब फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी है स्टेट का जो कि प्रायोरिटाइज करता है पीस को, जेंडर इक्वालिटी को, एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी को, और ये बात करता है डिसरप्ट करने की कॉलोनियल, रेसियस, पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेट पावर स्ट्रक्चर को. एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा. जर्मनी मैंडेट दैट जेंडर इक्वालिटी बी प्रायोरिटाइज इन इट्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट गोल. इट विल एलोकेट 8% ऑफ इट डेवलपमेंट फंड टू प्रोजेक्ट दैट स्पेसिफिकली टारगेट जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग वुमेन, गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज ग्रुप फ्रॉम वायलेंस. जर्मनी ने मैंडेट कर दिया है जेंडर इक्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में भी और डेवलपमेंट गोल में भी. उन्होंने एलोकेट किया 8% इसका डेवलपमेंट फंड को ताकि प्रोजेक्ट किया जा सके, स्पेसिफिकली टारगेट किया जा सके वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, प्रोटेक्ट कर सके वुमेन को, गर्ल्स को और मार्जिनलाइज ग्रुप को वायलेंस से. सिमिलरली अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग कैनेडा, चिली, मैक्सिको, फ्रांस, मंगोलिया, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड हैव ऑल्सो एडॉप्टेड अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी. इसी तरीके से जो बाकी कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि कैनेडा हो गया, चिली हो गया, मैक्सिको हो गया, फ्रांस हो गया, मंगोलिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नेदरलैंड हो गया, इन सब ने भी अडॉप्ट किया है फेमिनिस्ट अप्रोच को फॉरेन पॉलिसी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बमचू फेस्टिवल. हम जानेंगे बमचू फेस्टिवल के बारे में. इट इज हेल्ड एनुअली एट ताजडिंग मोनेस्ट्री इन वेस्ट सिक्किम. तो कहां पे मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ऑन द 15th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द लूनर कैलेंडर. ये जो आपका हर एक साल एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है ताजडिंग मोनेस्ट्री में, वेस्ट सिक्किम में, 15th डे के दौरान फर्स्ट मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर के बमचू फेस्टिवल को. नेम बमचू मीन्स पॉट ऑफ सेक्रेट वाटर इन तिबेटन. बमचू का मतलब होता है पॉट ऑफ सेक्रेट वाटर तिबेटन में. इसका क्या फीचर है, द फेस्टिवल इज सेंटर अराउंड द ओपनिंग ऑफ अ वेसल कंटेनिंग होली वाटर विच इज बिलीव टू बी एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्च्यून ऑफ द कमिंग ईयर. ये जो फेस्टिवल है ये सेंटर करता है अराउंड, ओपन किया जाता है जिसमें एक वेसल को जो कंटेन करता है होली वाटर को. ये माना जाता है कि एक इंडिकेटर है फॉर्च्यून का आने वाले सालों के लिए. हिस्ट्री के बारे में इसका समझते हैं हम. इट कॉमरेट ए सुपर नेचुरल ऑकरेंस दैट टू प्लेस अंडर चोगयाल चागदोर नामग्या इन द 18th सेंचुरी. ये कॉमरेट करता है एक सुपर नेचुरल ऑकरेंस को जो कि आपका हुआ था चोगयाल चागदोर नामग्या 18th सेंचुरी के समय पे. द फेस्टिवल अट्रैक्ट डिवोटी फ्रॉम ऑल ओवर सिक्किम एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज भूटान एंड नेपाल. और ये जो फेस्टिवल है ये अट्रैक्ट करता है डिवोटी को सारे सिक्किम के, नेबरिंग कंट्री और भूटान और नेपाल के. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया बीसीआई. जो फॉरेन लॉयर्स या फर्म्स है वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में, बीसीआई ने बोला है. जानेंगे इसके बारे में. द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज नोटिफाइड द रूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022. जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने नोटिफाई किया रूल्स को रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए फॉरेन लॉयर और फॉरेन लॉ फर्म्स का भारत में 2022 के माध्यम से. ये रूल क्या बताता है, इट अलाउ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया बट नॉट अपियर इन कोर्ट. ये अलाउ करता है फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं भारत में लेकिन अपियर नहीं हो सकते कोर्ट में. एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, द लॉयर और फर्म शुड बी इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन देयर होम कंट्री. कि जो लॉयर या फर्म होंगे वो इंटाइटल्ड होने चाहिए प्रैक्टिस लॉ के अपने होम कंट्री पे. लिमिटेशन क्या है उनके लिए, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ इन एनी फॉर्म और बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राइब्यूनल, बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑन ऑट. वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते इंडियन लॉ पे किसी भी फॉर्म या किसी भी कोर्ट के ऑफ लॉ के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने, बोर्ड के सामने या और किसी अथॉरिटी के सामने जिसको लीगली इंटाइटल किया गया हो कि वो रिकॉर्ड करे एविडेंस को, ऑट को. परमिशन की अगर हम बात करें, दे आर ओनली परमिटेड टू प्रैक्टिस ट्रांजेक्शनल वर्क, कॉपरेशन वर्क सच एज ज्वाइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, आईपीआर, कैन एडवाइज क्लाइंट ऑन फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर इन इंडिया. इनको सिर्फ परमिट किया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रांजेक्शनल वर्क को, कॉर्पोरेट वर्क को जैसे कि ज्वाइंट वेंचर, मर्जर या एक्विजिशन, आईपीआर को, और एडवाइस कर सकते हैं क्लाइंट को फॉरेन लॉ के बारे में, इंटरनेशनल लॉ के बारे में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर के बारे में भारत में. सेक्शन 29 ऑफ द एडवोकेट एक्ट स्टेट दैट ओनली एडवोकेट इनरोल विद बीसीआई कैन प्रैक्टिस लॉ. और जो सेक्शन 29 है एडवोकेट एक्ट का ये बताता है कि सिर्फ जो एडवोकेट जो कि इनरोल्ड है बीसीसीआई के पास वही प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ को. इसका क्या बेनिफिट होगा,
It will help attract foreign direct investment and make India a hub of international commercial arbitration. ये मदद करेगा attract करने में foreign direct investment FDI को और इंडिया को एक हब बनाएगा international commercial arbitration के लिए भी. The new rule enable foreign lawyers and law firms to register with the BCI to practice in India if they are. It will further incentivize legal process outsourcing in India. जो नया rule है ये enable करेगा foreign lawyers और law firms को कि वह register करे BCI के पास admin और practice कर सके भारत में अगर वो एलिजिबल है तो. और ये साथ में इंसेंटिवाइज करेगा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग को भारत में. बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जान लें. बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1961 हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 दैट रेगुलेट लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया. जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था सेक्शन 4 के अंतर्गत एडवोकेट एक्ट 1961 के. जो रेगुलेट करता है लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को भारत में. इस मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स लॉयर इन इंडिया एंड एज सच रिप्रेजेंट द इंडियन बार. और इसके मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जो लॉयर होते हैं भारत के उन्हीं में से और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन बार को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नो पावर टू बैन कास्ट बेस्ड रैली. कोई भी पावर नहीं है बैन करने के लिए कास्ट बेस्ड रैली को. ऐसा क्यों कहा गया हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में क्या लिमिटेशन सब समझेंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई हैज सबमिटेड बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट इज नो ज्यूरिसडिक्शन टू बैन कास्ट बेस्ड रैली और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द नॉन इलेक्शन पीरियड एंड नॉट दैट इट हैव द पावर टू बैन सच पार्टीज फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग सिक्वेंशियल इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबमिट किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास अपना बात को रखा है कि उनके पास कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि वो बैन करे कास्ट बेस्ड रैली को पॉलिटिकल पार्टी का जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है नॉन इलेक्शन पीरियड पे. और ना ही उनके पास कोई पावर है कि वो बैन करे वैसे पार्टी को इलेक्शन जो सबसिक्वेंस होने वाला है उसमें से लड़ने से रोक सके. पावर अवेलेबल विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या पावर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट कैंपेनिंग और सीकिंग वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड और रिलीजन. जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये प्रोहिबिट करता है कैंपेनिंग को और वोट मांगने को कास्ट क्रीड और रिलीजन के बेसिस पे. रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. जो रजिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टी का सेक्शन 29A ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का. ये प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी इन्वॉल्व ओनली ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीरियड एंड नॉट ड्यूरिंग द नॉन इलेक्शन पीरियड. जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको इन्फोर्स किया जा सकता है सिर्फ इलेक्शन पीरियड के दौरान ही. नॉन इलेक्शन पीरियड में इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ फॉर रिव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन और फॉर कैंसलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑन एनी ग्राउंड. और कोई भी प्रोविजन नहीं है लॉ पे रिव्यू करने के लिए रजिस्ट्रेशन को या कैंसिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी ग्राउंड पे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जान लें. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 25 जनवरी 1950 हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 पे. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट कंडक्ट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड रेगुलेट इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री. ये कंडक्ट करता है इलेक्शन को जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए और रेगुलेट करता है जो इलेक्टोरल प्रोसेस है कंट्री का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेड इन रूपी. पीआईबी को हम जानेंगे ट्रेड इन रूपी के बारे में. आरबीआई हैज परमिटेड बैंक फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट टू सेटल पेमेंट इन रूपी. आरबीआई ने परमिट कर दिया है जो बैंक है 18 कंट्रीज के वो ओपन कर सकते हैं स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट को ताकि वो सेटल कर सके पेमेंट को रूपी पे. व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी. ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी से हम क्या समझते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रूपी एक्सेप्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग. जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कहा गया है ये एक प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज किया जा रहा है रूपी के एक्सेप्टेंस को पूरे विश्व में ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग में मदद मिले. बेनिफिट की अगर हम बात करें इंडिया विल हैव टू रिलाई लेस ऑन फॉरेन करेंसी एंड होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इससे क्या होगा इंडिया को कम डिपेंड होना होगा फॉरेन करेंसी के ऊपर और जो हमारा होल्डिंग है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी घटेगा. रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक एंड करेंसी रिस्क. इससे जो वल्नरेबिलिटी है एक्सटर्नल शॉक और करेंसी रिस्क का वो कम हो जाएगा. इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेस. और ये बढ़ाएगा जो बार्गेनिंग पावर है इंडियन इंटरप्राइजेस का. एसवीआरए के बारे में हम जान लें.
SBRA is an account that domestic bank hold for foreign bank in the formal domestic currency, the rupee, which allows domestic bank to provide international banking service to their client who have global banking need without having to be physically present abroad. तो आपका SBRA ये एक अकाउंट है जो कि डोमेस्टिक बैंक होल्ड करते हैं फॉरेन बैंक के साथ फॉर्मल डोमेस्टिक करेंसी पे रूपी पे. ये अलाउ करता है डोमेस्टिक बैंक को कि वो प्रोवाइड करे इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज को अपने क्लाइंट को जिनको ग्लोबल बैंकिंग नीड की आवश्यकता है बिना उनके फिजिकली प्रेजेंट हुए अब्रॉड में. RBI has issued a framework for trade settlement in rupee in July 2022 through SBRA. और RBI ने इश्यू किया था एक फ्रेमवर्क को ट्रेड सेटलमेंट का रूपी पे July 2022 पे ही SBRA के माध्यम से. अदर इनिशिएटिव फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, जो और इनिशिएटिव लिया गया है इंटरनेशनलाइजेशन के लिए रूपी का, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग इन रूपी, जैसे कि मसाला बॉन्ड हो गया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये सारे अदर इनिशिएटिव हो गए. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट जो रूपी पे कैसे होगा. तो ये आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ सब जाया गया है. ये जैसे आपका इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट किया रशियन कंपनी जो कि इंपोर्ट कर रहे इंडिया से, ये आपका रशियन बैंक हो गया, ये आपका वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया रशियन बैंक का इन इंडियन बैंक में INR पे, ये यहाँ पे किया गया INR पे रशियन वॉस्ट्रो बैंक अकाउंट में. इसी तरीके से ये आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से ये चलते रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्मार्ट मीटरिंग. तो हम जानेंगे स्मार्ट मीटरिंग के बारे में. द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI हैज फ्लैग कंसर्न ओवर द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम इन दी H65 to H68 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड. तो आपका सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है COAI, उन्होंने चिंता दायर किया है डिप्लॉयमेंट को लेकर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें उपयोग किया जा रहा है अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का H65 से H68 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का. ये स्मार्ट मीटर के बारे में हम जान ले. स्मार्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वोल्टेज लेवल, करंट एंड पावर फैक्टर. तो स्मार्ट मीटर होता है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि कंजम्पशन कितना हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वोल्टेज लेवल क्या है, करंट और पावर फैक्टर के बारे में ये रिकॉर्ड करता है. स्मार्ट मीटर कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ कंजम्पशन बिहेवियर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर फॉर सिस्टम मॉनिटरिंग एंड कस्टमर बिलिंग. और स्मार्ट मीटर जो है ये कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर के पास ग्रेटर क्लैरिटी के लिए कंजम्पशन बिहेवियर का और इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर के साथ भी, ताकि सिस्टम मॉनिटरिंग और कस्टमर बिलिंग आसान हो सके. स्मार्ट मीटर और पार्ट ऑफ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन दैट रिकॉर्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड सेंड इट टू द एनर्जी सप्लायर. और जो स्मार्ट मीटर होता है ये पार्ट है आपका एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन का. ये रिकॉर्ड करता है कंज्यूमर के इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को अलग अलग समय पर देखकर और भेजता है उस डाटा को एनर्जी सप्लायर के पास. ये आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मार्ट मीटर जो है वो काम करता है. ये सिंगल फैमिली होम हो गया, ये आपका स्मार्ट मीटर हो गया, ये आपका कम्युनिकेशन डिवाइस यूटिलिटी पोल हो गया, ये आपका यूटिलिटी ऑफिस हो गया. तो इस तरीके से ये एक आपका साइक्लिकल वे में चलते रहता है. वॉट इज स्मार्ट ग्रिड? स्मार्ट ग्रिड क्या है? स्मार्ट ग्रिड आर एनर्जी नेटवर्क दैट कैन ऑटोमेटिकली मॉनिटर एनर्जी फ्लो एंड एडजस्ट टू चेंजेस इन एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड अकॉर्डिंगली. और जो स्मार्ट ग्रिड होता है ये एनर्जी नेटवर्क होता है जो कि ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है एनर्जी फ्लो को और एडजस्ट करता है चेंजेस को एनर्जी सप्लाई और डिमांड का उसी के अनुसार. प्रॉब्लम क्या है फिर? द यूज ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम फॉर कम्युनिकेशन फॉर स्मार्ट ग्रिड मीटर विल मेक दिस सिस्टम मच मोर प्रोन टू वल्नरेबिलिटी थ्रेट एंड साइबर इंट्रूजन. और जो उपयोग किया जा रहा है अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का कम्युनिकेशन के लिए स्मार्ट ग्रिड मीटर का, ये इस सिस्टम को और ज्यादा प्रोन बना देगा वल्नरेबिलिटीज के लिए, थ्रेट और साइबर इंट्रूजन के लिए. वाई दैट पावर यूटिलिटी यूज एन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम? जो पावर यूटिलिटी है वो क्यों उपयोग कर रहे हैं अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का? फिर अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम इज कंसिडर एन इनएक्सपेंसिव एंड बैरियर फ्री ऑप्शन फॉर मीटिंग कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट. जो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है इसको माना जाता है कि एक इनएक्सपेंसिव और बैरियर फ्री ऑप्शन है पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट को. वो जो है करेंटली उपयोग कर रहे हैं H65 से H68 मेगाहर्ट्ज बैंड को ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए और डाटा एक्विजिशन डिवाइस के लिए और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन RFID के लिए. इनिशिएटिव जो कि लिया गया है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, स्मार्ट मिशन नेशनल प्रोग्राम, प्रीपेड स्मार्ट मीटर अंडर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.